साथियों, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हो या फिर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, आज भारत की वर्ल्ड क्लास सुविधाओं का विस्तार हम थाईलैंड और दूसरे आसियान देशों को जोड़ने में भी कर रहे हैं। एयर हो, सी हो या फिर रोड कनेक्टिविटी, भारत और थाईलैंड बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। आज हर हफ्ते करीब 300 फ्लाइट्स दोनों देशों के बीच चल रही है। भारत के 18 डेस्टिनेशंस आज थाईलैंड से सीधे कनेक्टेड है। आज स्थिति यह है कि दोनों देशों के किसी भी दो डेस्टिनेशन के बीच एवरेज फ्लाइट टाइम 2 घंटे से 4 घंटे तक का ही है। ये तो ऐसा ही है जैसे आप भारत में ही दो जगह के बीच फ्लाई कर रहे हो। मेरी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी, मेरा संसदीय क्षेत्र दुनिया की सबसे प्राचीन नगरी काशी से जो सीधी फ्लाइट बैंकॉक के लिए इस साल शुरू हुई है, वो भी बहुत पॉपुलर हो चुकी है। इससे हमारी प्राचीन संस्कृतियों का जुड़ाव और मजबूत हुआ है और बहुत बड़ी मात्रा में बुद्धिस्ट टूरिस्ट सारनाथ जो जाना चाहते हैं वो काशी आते हैं। हमारा फोकस भारत के नॉर्थ ईस्ट को थाईलैंड से जोड़ने पर है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया को हम साउथ ईस्ट एशिया के गेटवे के तौर पर डेवलप कर रहे हैं। भारत का यह हिस्सा हमारी एक्ट ईस्ट पॉलिसी और थाईलैंड की एक्ट वेस्ट पॉलिसी दोनों को ताकत देगा। इस फरवरी में बैंकॉक में भारत के बाहर पहला नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल मनाने के पीछे भी यही कल्पना थी। मुझे बताया गया है कि इससे नॉर्थ ईस्ट इंडिया के प्रति थाईलैंड में जिज्ञासा भी बढ़ी है और समझ भी बेहतर हुई है। और हां, एक बार भारत म्यांमार थाईलैंड हाईवे यानी ट्राइलेटरल हाईवे शुरू हो जाएगा तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया और थाईलैंड के बीच सीमलेस कनेक्टिविटी तय है। इससे इस पूरे क्षेत्र में ट्रेड भी बढ़ेगा, टूरिज्म भी बढ़ेगा और ट्रेडिशन को एक नई ताकत मिलेगी।